इस धरती में रहने वाले पर्वत के कारण अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वो हर भारतवासी इस भारत माँ का कर्जदार है। हर भारतवासी बंधु, चाहे वो कितना भी बड़ा साधु भी क्यों ना हो, गुरुदेव तो खुद अपने मुख से इस बात को बार बार कहते हैं, जितनी माला मैं फेरता हूं तुम फेरते हो, त्याग करते हो, तपस्या करते हो। सरहद में खड़े हुए फौजी को बिना कुछ कहे हर साधु संत की साधना का छठवां भाग पहुंचता रहता है। ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। वो बंदूक उठा करके तांग करके वहां पर जब खड़ा है, तब जाकर के हम यहाँ पर नमो अरिहंताणम, ओम नमः शिवाय, भर्गो देवश्चि मही ध्यो नः प्रचोदयात् के सूत और ऋचाएं अपने मुंह से निकाल पा रहे हैं। वो सरहद का सिपाही हमारे लिए किसी देवता और विष्णु और शिव से कम नहीं है आज के लिए। क्यों? इतनी बड़ी उपाधि महाराज, हाँ इतनी बड़ी उपाधि, जो रक्षक है बस वही हमारा देव है, चाहे फिर वो जिनालय में बैठा हो चाहे सरहद में खड़ा हुआ हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीषि, बंधुओं अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है, हमने भारत में जन्म लिया बंधुओं।